हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। तो जैसे कि आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं, लिखा हुआ है बजट प्लानर। तो आज मैं आपको बजट कैसे प्लान करना है वो बताने वाली हूँ। ये भी आप में से बहुत सब्सक्राइबर ने इसके रिक्वेस्ट करी थी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं अपना मंथली एक्सपेंसेस जो भी है पूरा बजट कैसे प्लान करती हूँ उसके बारे में। तो मैं आपको एक क्लियर पिक्चर एक टेबल में बताऊँगी, जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा अगर अभी तक आपने अपने बजट को इस तरह से प्लान नहीं किया है। तो ये शायद आपको कहीं ना कहीं थोड़े एंगल में हेल्प करे। तो मैं अपने लिए जो है ऐसे कोई ना कोई नोटबुक डायरी ऐसे मेंटेन करती हूँ। तो देखिए, जैसे ऐसे रखा हुआ है, तो एक्सपेंसेस डायरी करके रख रखा है मैंने। तो आगे पीछे ऐसे ड्राइंग्स चलती रहती है। तो ये देखिए, इसमें जो मैं बजट बनाती हूँ, ये तो बहुत पुराना बजट है। तो ऐसे ये देखो 2012 का है ये। तो इस हिसाब से मैं सारे जो है अपने बजट ऐसे लिखते रहती हूँ। तो अभी की भी अलग डायरी है, तो ये पुराने वाली भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, मैं वो आपको बताती हूँ। तो आजकल बहुत सारे ऐप्स भी अवेलेबल है जिस पे आप अपने बजट को प्लान कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास दो ऐप्स हैं, एक है स्पेंडिंग ट्रैक और एक है मनी मैनेजर। तो ये दोनों मैंने रख रखे हैं। जनरली तो मैं नोटबुक में ही रखती हूँ, इसमें नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें मैं इतना प्रॉपरली ट्रैकिंग करती नहीं हूँ। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब मोबाइल में कंफर्टेबल है, मैं तो नोटबुक से ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर में जाके इनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं बताऊँगी आप कैसे कैटेगरीज़ को अलग अलग सेपरेटली कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पर ऐड बटन जैसे ही आप दबाएँगे तो वैसे ही आपको जो है डेट आ जाती है अकाउंट कैटेगरी। तो जैसे यहाँ पे अकाउंट है, तो अकाउंट में कैश, अकाउंट कार्ड, मतलब आप अपने पेमेंट किस मोड से करते हैं। तो अगर कैश से भी करते हैं, चाहे किससे भी करते हैं, जिससे भी आप करेंगे, नीचे जो है आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे कौन सी कैटेगरी को आप बनाना चाहते हैं वो आ जाएगा। तो जैसे मैं अभी कैश लिखती हूँ, तो कैश में अगर मैं मान लीजिए हाउस होल्ड मान लीजिए हाउस होल्ड लगाती हूँ, और हाउस होल्ड में मैं करीबन जो है 3000 डालती हूँ। तो ये डॉलर्स में दिखाता है, तो कोई झंझट नहीं, उसका टोटल आप देख लीजिएगा। और या कंटेंट में मैं ग्रॉसरी लिख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस में ऐड हो गया है 3000। तो आप अपने जो है इस तरह से सारे जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं। और इनकम यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आप इनकम भी अपनी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा जो है, आप एक बार इस ऐप पे जाएंगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो आप अपने कैलेंडर भी देख सकते हैं, वीकली बजट भी बना सकते हैं, मंथली बजट भी बना सकते हैं, और टोटल यहाँ पे लास्ट में आके दे सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी टोटल यहाँ पे 3000 ऐड किया था, तो वो 3000 यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो आप इसी का अगर स्टैटिस्टिक्स भी देखना चाहते हैं, तो यहाँ नीचे स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन है। तो ये आपको पाई डायग्राम भी दिखाएगा कि आपके किस तरह से कितने कितने एक्सपेंसेस है, तो आपको ड्रॉ करके भी दिखाएगा। मनी मैनेजर भी यूज़ कर सकते हैं या स्पेंडिंग ट्रैक भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे, आप दो तीन डाउनलोड कीजिए और यूज़ करके देखिए, जो आपको ज़्यादा फंक्शन लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दो एक्सपेंसेस और इनकम दे रखा है। तो आप इनकम पे अगर करेंगे, तो देखिए मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ लगा रखा है। तो यहाँ पर देखिए, एक्सपेंसेस मैनेजर इनकम यानी यहाँ 50000 डालिए मान लीजिए, और एक्सपेंसेस जो है एक एक ऐड करते करते जाएंगे, तो आपके जो बैलेंस बचता है वो आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी डिफरेंट कैटेगरीज है, ट्रांजैक्शन है, तो इन सारी कैटेगरीज़ को आप जो भी है अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जब भी आप कोई ऐसा प्लान बनाएं, आपकी टोटल इनकम जो है आपको अप्रॉक्स मैं बता रही हूँ अभी, जैसे टोटल इनकम मान लीजिए 50000 है, तो इसके हिसाब से जितना आपका टोटल इनकम रहता है उसके हिसाब से आपको अपने एक्सपेंसेस प्लान करने चाहिए, और इसी उसी में से सेविंग्स भी प्लान करनी चाहिए। तो जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे आपातकाल में जो काम आती है वो हमारी सेविंग्स ही काम आती है। तो इसलिए आपको अपने इनकम के हिसाब से अपने बजट को प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं डिफरेंट कैटेगरीज बना देती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़, और ये बजट के बारे में एक और चीज़ बता दूं, कि ये बजट एक ऐसी चीज़ है, चाहे पढ़ा लिखा इंसान हो, चाहे
अनपढ़ इंसान हो, हर कोई हर घर में बजट प्लान पक्का होता है। सबका करने का तरीका अलग होता है, लेकिन पक्का हर कोई बनाता बनाता है। अगर कोई नहीं भी बनाता है तो बनाना बेटर है, उससे हमको पता लगता है कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं और हम कितना सेव कर रहे हैं, और अगर हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो हमको किन खर्चों को कम करना चाहिए। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे फॉरमोस्ट है ग्रॉसरी, तो ग्रॉसरी प्लस वेजिटेबल्स भी इसी में लिख रही हूँ मैं। उसके बाद मैं लिखती हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑब्लिक गैस बिल, ये दोनों बिल इसमें मैं बना रही हूँ। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल में, और इलेक्ट्रिसिटी बिल में मेन ये होता है कि जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं उनका बिल थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा आता है, जो इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं उनका थोड़ा कंपैरेटिवली कम आता है। उसके बाद लेते हैं इंटरनेट बिल ऑब्लिक केबल बिल या सेट टॉप बॉक्स का बिल। तो ये तीनों बिल एक कैटेगरी में डाल दिए हैं मैंने। उसके बाद आता है मिल्क, हर घर की डिफ़ॉल्ट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आता है मेड, अगर मेड है तो आप ये कॉलम रख सकते हो, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। अगला है आयरनिंग, क्योंकि आजकल मैक्सिमम सब लोग जो है बाहर ही देते हैं, आयरिंग धोबी को दे देते हैं आयरन करने के लिए कपड़े, तो वो भी एक डिफ़ॉल्ट खर्चा हो जाता है। उसके बाद शॉपिंग, उसके बाद डॉक्टर, उसके बाद पेट्रोल और डीजल, ये तो डिफ़ॉल्ट है ये भी, चाहे आपके पास कार हो चाहे बाइक हो, ये खर्चा तो होता ही है। उसके बाद महीने में या एक आध महीने में कभी ना कभी, या कोई ना कोई टाइम पे हम लोग कभी खाना मंगा भी लेते हैं जैसे, और कभी कभी रेस्टोरेंट्स में भी चले जाते हैं। और लास्ट है मिसलिनियस, मिसलिनियस मैं बाद में बताती हूँ इनके डिटेल्स। तो ये देखिए इतनी कैटेगरीज हमने बना ली है, ग्रॉसरी इलेक्ट्रिसिटी बिल इंटरनेट बिल केबल बिल या सेट टॉप बॉक्स बिल, मिल्क मेड आयरनिंग शॉपिंग डॉक्टर पेट्रोल डीजल होटल रेस्टोरेंट एंड मिसलिनियस। अब ये जो ग्रॉसरी बिल होता है और वेजिटेबल बिल होता है, आराम से आपका कितना आ जाता होगा खर्चा। ग्रॉसरी मतलब जो भी दाल चीनी ब्रेड हो गया, या जो भी आइटम्स जो हम स्टॉक में रखते हैं ज़्यादातर, वो उसका खर्चा जब भी हम मंगाते हैं तो करीबन जो है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लगा रही हूँ, 2500 टू 3000 तक होता है। और वेजिटेबल्स जो है हम एक ही साथ लॉट में मंगा के नहीं रखते, हर हफ्ते हफ्ते लेते हैं, तो मंथली के हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए हम जैसे मान ले एक वीक का हमारा 200 हो गया, तो मंथली कितना हो गया इंटू थ्री करेंगे तो मतलब 30 डेज़, मतलब ये वीकली है तो आप इंटू फोर कर सकते हैं, मतलब 4 वीक का, तो 4 × 8 तो करीबन 800 रुपये जो है आपके सब्ज़ी के ही हो रहे हैं। तो उसको राउंड ऑफ करके हम 1000 लगा लेते हैं। तो ये देखिए टोटल आ गया हमारा इसका 4000, तो थोड़ा कम भी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स। तो जब हमारे पास जो लास्ट में टोटल आएगा उसके हिसाब से हम ये तय कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हमको कम करनी है। अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे कि मैंने बताया है कि अपार्टमेंट में और इसमें डिफरेंस रहता है, क्योंकि अपार्टमेंट जो में जो है थोड़ा टैक्स रेट ज़्यादा लगता है और यूनिट का रेट भी ज़्यादा होता है। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या होता है, अभी समर में तो ज़्यादा आता है और विंटर में थोड़ा कम आता है। तो समर में यहाँ पे हमारे यहाँ 4000 तक आ जाता है और भी प्लस हो सकता है, और विंटर में मान लीजिए 1500 से प्लस
2000 तक, ठीक है। और गैस का एक फिक्स प्राइस मान लीजिए 800 रुपये पर गैस सिलेंडर, तो कभी कभी 2 महीने आता है, कभी कभी 1.5 महीने में भी ख़त्म हो जाता है। तो आप इस महीने का जो ये जो बिल है ये पूरा आप इसका अप्रॉक्सीमेट लगा लीजिए 4, 5, 6, तो ये 6000 हो गया। उसके बाद इंटरनेट बिल, केबल बिल, और या मतलब इंटरनेट बिल तो होता ही होता है, केबल बिल में आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, दोनों में से एक कोई लगा रखा होगा आपने, तो उसके हिसाब से देखिए इंटरनेट बिल जो है मंथली आपके प्लान के हिसाब से हमारा जैसे 1200 होता है, और केबल बिल जो है 500 होता है, तो यहाँ पे 5, 2, 1700, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके लगा रही हूँ फ़िलहाल, तो 17 की जगह मैं इसको चलो ये तो फिक्स रहता है इसलिए इसको ऐसे ही लगा देते हैं 1700। अभी मिल्क का देखते हैं, तो मिल्क में आपके घर में क्वांटिटी के हिसाब से, अभी हमारे घर में जैसे मंथली हमको मिल्क का हमको अराउंड 1500 होता है, जो हम रेगुलरली लेते हैं, जो रोज़ ऑटोमेटिक डालता है, उसके अलावा भी कभी कभी दूध जब कम पड़ जाता है तो फिर दूध के पैकेट्स जब मंगाते हैं तो वो भी एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है, तो इसका 500 और लगा लेती हूँ मैं, तो दूध का हो गया 2000। अभी फ़िलहाल मेड नहीं है तो मेड को इनटू मार्क कर सकते हैं। तो आयरनिंग के देखिए, एक बार में कपड़े में जब भी देते हैं हफ्ते में एक बार 200 रुपये होते हैं, तो 200 के हिसाब से महीने में कम से कम 700 से 800 रुपये हो रहे हैं आयरनिंग के ही, तो 800 रुपये लगाती हूँ। तो इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी कम भी होते हैं, कभी कभी ज़्यादा होते हैं, तो डिपेंड्स। तो आयरनिंग का ये हो गया। अब शॉपिंग जो है एक रेगुलर वाले एक्सपेंसेस नहीं है, ये कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो आप शॉपिंग में ओनली मतलब कपड़े शॉपिंग ही मत लीजिए, जैसे कि शॉपिंग में आप बच्चों के चीज़ें भी ले सकते हैं, जैसे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी नोटबुक्स हो गई, उनकी यूनिफॉर्म से रिलेटेड कुछ हो गया, कभी कभी स्कूल में कोई प्रोग्राम हो गया, फैंसी ड्रेस होता है तो उससे रिलेटेड ख़रीदना पड़ता है, तो ऐसे जो भी नीड्स है, मतलब ये बहुत हर महीने होने वाले नहीं है लेकिन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो इसका मिनिमम लगा लेते हैं 500 रुपये। और डॉक्टर का भी ऐसा खर्चा है जो हर महीने नहीं होता है, तो आप इसके लिए जो है एक 2000 रुपये स्पेयर निकाल सकते हैं, खर्चा नहीं होता है लेकिन हम इसको जो है थोड़ा एक्सेप्शन में ले सकते हैं, क्योंकि 2000 अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो आराम से निकल ही जाते हैं पॉकेट से, चाहे थोड़ा सा चेकअप कराना हो या ब्लड टेस्ट कराना हो, कुछ भी हो। अब ये जो पेट्रोल और डीजल के एक्सपेंसेस है, रोज़ हस्बैंड जो है ऑफिस जाते रहते हैं, तो महीने में ये भी कम से कम अगर रोज़ का अभी लीटर जो है, अगर बाइक पे जाते हैं ऑफिस तो 1 लीटर जो है 70 रुपये का मान लीजिए, 70-75 रुपीज़ का, तो पूरे महीने पर अभी 1 लीटर 70 रुपीज़ का है तो वो कम से कम इनके पास 3 दिन चलेगा मान लीजिए, तो अगर 70 रुपीज़ जो है 3 दिन चलता है तो 30 दिन में कितना चलेगा अप्रॉक्स मान लीजिए, तो कैलकुलेट कर लेते हैं उसको, करीबन 700 रुपये होगा अगर आप बाइक पे जा रहे हैं, तो अगर कार यूज़ कर रहे हैं तो माइलेज के हिसाब से जो कार जितनी आती है, तो यही अगर 700 हो रहा है तो आप इसका 2 गुना ज़्यादा ले लीजिए कार में, या 3 गुना भी ले सकते हैं, कार के ऊपर डिपेंड करता है, तो 3000 लगा लेते हैं इसका मंथली एक्सपेंसेस अपने को पेट्रोल या डीजल के चार्जेस होते हो रहे हैं। अब रेस्टोरेंट के क्या होते हैं, कभी हम अगर हम रेस्टोरेंट जाते भी हैं या नहीं भी जाते हैं तो कभी कभी घर पे भी मंगा लेते हैं, अगर मान लीजिए घर पे मंगा लेते हैं तो कम से कम 500 रुपये होते हैं, और वही अगर रेस्टोरेंट जाते हैं तो 2000 रुपये होते हैं, तो ये भी एक्सेप्शन में ही लेंगे क्योंकि रेगुलर एक्सपेंसेस नहीं है, ओकेशनल है, 2 महीने में एक बार हो सकते हैं, तो 2500 ये हो गया। अभी मिसलिनियस में जो है हम इसको एक्सपेंसेस में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बहुत ही रेयरली होते हैं, जैसे कभी किसी का फंक्शन हो गया तो उनको गिफ्ट देना हो गया,
या तो कभी कोई हमारे लिए कोई अपनी बर्थडे आ गई या हस्बैंड का कोई आ गया या बच्चों का कुछ आ गया तो गिफ्ट का तब सोना खरीदते हैं, तो वो वाला आ गया। तो ये तो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि सोना वोना खरीदेंगे तो 50-60 हज़ार हो जाते हैं, कभी 30 हज़ार हो जाते हैं एक साथ, तो उस टाइम पे तो सेविंग्स को थोड़ा निकालना पड़ता है। तो ये सारे खर्चे हो गए। तो अभी अगर हम पूरा इन टोटल देखें तो यहाँ पे हमारे सारे कैटेगरीज के टोटल देखते हैं हम, 4000, 6000, 1700, 2000, 800, 500, 3000, और ये 2 महीने में एक बार भी लेंगे तो भी अगर हाफ भी लेते हैं तो ये 2500। तो हम इसका टोटल करते हैं अभी। तो यहाँ देखिए मेरा टोटल आया 20,500 और मेरी जो इनकम है वो 50 हज़ार है। मैंने क्योंकि अप्रॉक्सीमेट लगाया था, अगर आप इसको 30,000 मान के भी चलते हैं, ठीक है, तो आप कोई भी मतलब आपके इनकम के हिसाब से, तो मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए एक अमाउंट बताया है। तो अगर आपकी इनकम 30,000 भी है तो अभी हमारे एक्सपेंसेस आए 20,500, तो हमारे पास बचत कितने की हो रही है? तो हमारे पास बचत हो रही है 9,500, एक्सक्लूडिंग क्या, हमने अभी डॉक्टर का अमाउंट इंक्लूड नहीं किया है और मिसलिनियस इंक्लूड नहीं किया है। तो मतलब हमारा रेगुलर बेसिस, अगर आपकी सैलरी 30,000 है या 50,000 है, अभी ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपको 50,000 सैलरी आ रही है तो पक्का ना आपने 40,000 खर्च ही कर देना है, क्योंकि सेविंग तो कैसे भी कर रहे हैं, तो नहीं। तो चाहे आपकी 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 50,000 हो, यू मस्ट सेव। तो यहाँ पे जो मैंने खर्चा निकाला है, इस तरह से आपको एक आइडिया आ गया कि आपको किस हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करना है। तो इस हिसाब से जब भी आप एवरीडे जो भी अगर कभी बाहर जाते हैं तो आप अपने नोटबुक में ऐसा एक टेबल बना लीजिए, इतने सारे कॉलम्स बना लीजिए। तो जब भी आपका किसी भी चीज़ में, अगर आप मान लीजिए शॉपिंग करके आए हैं किसी कपड़ों की या कोई भी, तो आप अपने शॉपिंग वाले में वो अमाउंट लिख के ऐड कर दीजिए। चाहे आप छोटी से छोटी, चाहे 10 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं तो भी आप शॉपिंग में ऐड कर दीजिए उसको। तो इस तरह से क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आप कहाँ खर्च कर रहे हैं और आपके पास पूरा जो है रिकॉर्ड रहेगा। तो अगर हमको कभी याद भी नहीं आता है कि हमने कहाँ क्या चीज़ खर्च करी थी, तो हम अपनी कैटेगरीज़ को देख के हमको याद आ जाएगा कि हमने कहाँ पर क्या पैसा लगाया है। और अगर कुछ ज़्यादा भी खर्चा हो रहा है तो हम उसको कम भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से मेंटेन करती हूँ। पहले मैं कुछ और तरीके से मेंटेन करती थी और उसके बाद मैंने ऐसे मेंटेन करना शुरू किया, तो ये मुझे ज़्यादा फंक्शनल लगा। तो आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा मेरा बजट प्लान। अगर आप अभी तक ऐसा नहीं बनाते, एक बार आप इसको भी ट्राई करके देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि आपको ये हेल्पफुल रहा कि नहीं। तो मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँगी। आई विल बी बैक अगेन विद सम अमेजिंग वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।